हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी कोर्ट द्वारा खेतों में पाला जलाने को लेकर जहां प्रतिबंध लगाकर कृषि विभागों को इस पर निगरानी करने के लिए निर्देशित कर रखा है, लेकिन ऐसे में अगर कृषि विभाग ही नियमों को ताक पर रखकर बगीचों की जमीन पर पाला जलाए तो फिर किसानों को कौन रोकेगा। पाली जिले में भी कृषि कार्य से पूर्व खेतों में पड़े कचरे को जलाने पर रोकने के लिए सरकार की ओर से कृषि विभाग का संचालन किया जा रहा है, लेकिन जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के ठीक सामने कृषि विभाग में उद्यान विकसित करने के लिए लाखों रुपए का बजट भी है और इसके लिए जमीन की आरक्षित कर रखी है, लेकिन विभाग के कर्मचारी परिसर में फैले कचरे को डस्टबिन में डालने की बजाय उद्यान के लिए आरक्षित जगह पर जलाते हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ताक पर रखकर जिस तरह से खुलेआम कचरा जलाया जा रहा है, यह अपने आप में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाना भी है। अगर कृषि विभाग ही नियमों को ताक पर रखकर मुख्य परिसर में कचरे को जलाए तो किसानों को खेतों में पाला जलाने को लेकर कौन रोकेगा। इसका जवाब खुद विभाग के अधिकारियों के पास नहीं है। और तो और, रोजाना इन घटनाओं को लेकर जहां लोगों को देव वायु प्रदूषण से परेशानियां उठानी पड़ती है, तो वहीं इस कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी भी परेशान हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।